अभिषेक और आयशा ने की जमकर मस्ती। अभिषेक ने लगाए आयशा पर ये इल्जाम। वेल, सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में हमें देखने को मिला अभिषेक और आयशा गार्डन एरिया में बैठकर चिल कर रहे होते हैं, जहां पर अभिषेक आज बहुत ही ज्यादा चिल जोन में नजर आ रहे होते हैं। जी हाँ, अभिषेक काफी ज्यादा सरकास्टिक जोक्स भी मारते हुए नजर आते हैं और एक परिवार की बात कह रहे होते हैं। वेल, आयशा अभिषेक से काफी ज्यादा इरिटेट भी होती हुई नजर आती है और अभिषेक से कह रही होती है कि वो उनके सामने ना आए, वो कहीं और जाकर बैठे, लेकिन अभिषेक नहीं मानते। अभिषेक लगातार आयशा को परेशान करते हुए नजर आते हैं और काफी ज्यादा आज के दिन को एंजॉय कर रहे होते हैं। अभिषेक अपने सरकास्टिक होने और अपने दिमाग की भी जमकर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अभिषेक मुनव्वर से भी ये कह रहे होते हैं कि मुनव्वर को भी अभिषेक की बातों पर यकीन करना होगा, क्योंकि इस वक्त अभिषेक ही वो इंसान है घर के अंदर जो कि मुनव्वर के काम के हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुनव्वर अभिषेक की बात नहीं सुन रहे होते, पर मुनव्वर चुपचाप बैठे हुए नजर आते हैं और किसी भी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे होते। पर यहाँ पर ईशा के बारे में भी अभिषेक और आयशा बातचीत करते हुए नजर आए और अभिषेक आयशा से कह रहे होते हैं कि आयशा को उनसे ईर्षा होती है। वेल, यहाँ पर आयशा ईशा का भी नाम लेती हुई नजर आती है और अभिषेक को चिढ़ा रही होती है। वेल, आयशा कहती हुई नजर आती है कि कब ईशा से अभिषेक मूव ऑन होंगे, क्योंकि वो हमेशा ईशा की ही बात करते रहते हैं। वेल, यहाँ पर आयशा और अभिषेक और भी कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। अभिषेक अपनी मॉम के आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वहीं आयशा कहती हुई नजर आती है कि अगर उनकी मॉम पूरे एक दिन के लिए आ गई तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज होगी, क्योंकि उनकी मॉम अनफिल्टर्ड है और वो सारी बातें कह देंगी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी बात को लेकर अभिषेक और आयशा मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, जिसके बाद अभिषेक आयशा को ये टॉन्ट मारते हुए नजर आते हैं कि आयशा बस ये चाहती है कि जिस तरीके से मुनव्वर ने आयशा को धोखा दिया है, हमेशा आयशा की ही बात हो और आयशा को सिंपैथी मिले। पहले यहाँ पर अभिषेक कहते हैं कि आयशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उनके सामने किसी और किस तरीके की धोखे वाली बात हो और किसी और को सिंपैथी मिले। वेल, अभिषेक ये भी कहते हैं कि अगर अभिषेक मुनव्वर से बात करते हैं तो ये आयशा को पसंद नहीं आता। आयशा इस बात से डिसएग्री करती हुई नजर आती है। अभिषेक कहते हुए नजर आए कि मुनव्वर उनका दोस्त है, भले ही उसने जो कुछ भी किया हो, लेकिन इस घर के अंदर वो आयशा के साथ काफी अच्छा बिहेव कर रहे हैं। ऐसे में अभिषेक उनसे बात भी करेंगे और उनसे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। वेल, आयशा कहती हुई नजर आती है कि मैं यहाँ पर खुद मुनव्वर के साथ बैठी हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम या घर का कोई और भी कंटेस्टेंट मुनव्वर से बात ना करे, लेकिन मेरे लिए ये सारी चीजें बुलाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। वेल, आपका अभिषेक और आयशा की मुनव्वर के लिए कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।